अनिश भाई थोड़ा सा दिखाते हैं लाइव एक बार ऑडियंस को। हाँ, एक बार दिखा सकते हो आप उसके बारे, उसके बाद थोड़ा बात करते हैं। एंड गाइस आइए आपको भाई का पेज वगैरह भी दिखा देते हैं। ये जस्ट जो दिखा रहे हैं ना भाई, वो बस एक मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे है, बाकी जो मेन बनता है ना वो प्रमोशन से होता है। प्रमोशन वीडियो $5,332 का रेवेन्यू बनाया। अगर आपको एक एक दिन का रेवेन्यू दिखाए तो यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो एक एक दिन में भाई इस टाइप के कॉन्टेंट से, इस पेज से $131 का रेवेन्यू बना रहे हैं। मेरा हाईएस्ट $190 तक गया है। आइए आपको एक एक वीडियो का भी दिखा देते हैं। एक एक वीडियो से हम अगर फेसबुक पे काम करते हैं तो कितना पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भाई, इससे भाई ने बनाए हैं $637, ₹42,000 हो जाएगा ना। यानी 50,000 के अराउंड आपने सिर्फ एक एक वीडियो से ये पैसा बनाया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके जो वीडियोस होते हैं वो मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं। अनिश भाई थोड़ा सा बताइए कि महीने में कितने आप ऐसे स्पॉन्सर्ड वीडियो बना देते हो? महीने में 10, 15, 20, 25। तो क्या चार्जेस करते हो आप एक एक वीडियो का? एक एक वीडियो का हाईएस्ट बताइए कितना आपने चार्ज किया है। मैंने हाईएस्ट भाई एक वीडियो का ₹50,000 भी चार्ज किया हुआ है। 50,000? हाँ। एक बिगेस्ट परचेज मैं बताता हूँ ना कैसे था। देखो, मैं जब सोशल मीडिया पे आया तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि यार एक बाइक होनी चाहिए। तो फिर मैंने बाइक ली, वो मेरी बाइक 3 लाख रुपए की है, कुछ 3 लाख से ऊपर की। हाँ जी, हिमालयन ली मैंने। कपड़े पहन लिए, अच्छे पहन लिए, जूते पहन लिए, अच्छे पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फैमिली का, अब फैमिली खुश होनी चाहिए क्योंकि घर में भाई बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं हमने शुरू से। अब फैमिली खुश होनी चाहिए। फैमिली खुश कैसे रहेगी? हम खुश करेंगे ना यार फैमिली को, हम किस लिए पड़े हुए हैं? हमने भाई काम करा, काम करके घर में पैसा लगाया, घर अच्छा बनाया भाई। अच्छा, घर बनवा लिया आपने? कहाँ? यही दिल्ली के अंदर ही है। अनिश भाई थोड़ा सा हम बात करते हैं ना उन क्रिएटर्स के बारे में जो फेसबुक पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। जो 2-3 महीने से काम कर रहे हैं बट उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं, तो क्या टिप्स देना चाहोगे आप? तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अभी के टाइम में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फेसबुक के ऊपर जिस टाइप के पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका वहां से मोटा पैसा तो भाई फेसबुक से बनता ही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्पॉन्सर वीडियो उनको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर उस पेज, उस नीच के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे कौन सा वो नीच है जहां पर आप लोग भी भाई स्पॉन्सर के थ्रू काफी बढ़िया रेवेन्यू बना सकते हो। बाकी फेसबुक से तो आपका भाई बनेगा ही, ठीक है? तो पूरी डिटेल में बातें करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम है अनिश। कैसे हो? स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए। और काफी टाइम हो गया भाई बात करते हुए, भाई से हमारी बात चल रही थी लेकिन कभी बन नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली हमारा हो रहा है। और इसको भी हम तीसरे टाइम शूट कर रहे हैं ना, रीटेक ले रहे हैं। थोड़ी सी ये चीजें चलते रहती है। तो अनिश भाई, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में। हाँ जी। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिश है और मैं दिल्ली में ब्लॉगिंग करता हूँ। दिल्ली में मार्केट की वीडियोज में बनाता हूँ, ठीक है? मार्केट इन द सेंस भाई, हमारी वीडियोज को कोई क्यों देखेगा? हमारी वीडियोज को देखेंगे ताकि लोगों को फायदा होगा, तो हमारी वीडियोज को देखेंगे। जैसे आप लोग अभिषेक भाई की वीडियोस को देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि आप पैसा कमाना सीखना चाहते हो, ठीक है? तो मेरी वीडियोस से लोगों का ये फायदा होता है कि उनको सस्ती चीजों का मतलब प्रोवाइड हो जाती है, सस्ती चीजें कहां पर मिल रही है, ठीक है? अच्छा, आप अपने कंटेंट में ऐसा बनाते हो कि दिल्ली में कौन से मार्केट में कहां पे चीजें सस्ती में मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में कहां पे क्या सस्ता मिल रहा है, उसके बाद शॉप पे कहां पे क्या बेस्ट डील मिलने वाली है, गिफ्ट वगैरह कहां पे क्या मिल रहे हैं, ये सब चीजें मेरे पेज पर आती है। एंड इस टाइप की वीडियोस तो मतलब काफी ज्यादा चलती है, है ना? चलती है। इसके ऊपर गाइस अभी डिटेल में आएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके जो वीडियोस होते हैं वो मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं, जो जिस भी दुकान का ये प्रमोशन ऐसे करते हैं तो ये चार्जेस काफी बढ़िया करते हैं। हाँ, वो सारी चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ। अनिश भाई थोड़ा सा बताइए कि महीने में कितने आप ऐसे स्पॉन्सर्ड वीडियो बना देते हो? महीने में 10, 15, 20, 25 जैसे हो जाता है, मतलब कर लेते हैं इतने सारे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, काम आना चाहिए, करते हैं। अभी गाइस चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि ये एक एक वीडियो का कितना चार्ज करते हैं। तो अनिश भाई सबसे पहले बात करते हैं ना, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इस कॉन्टेंट के बारे में आपको आइडिया आया? कॉन्टेंट के बारे में आइडिया ऐसे आया भाई कि अपने पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, ठीक है? एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक डिलीवरी की जॉब करने वाला लड़का, ठीक है? जोमेटो स्विगी में जॉब करता था मैं, डिलीवरी की। ये कितने टाइम पहले की बात है? 1-1.5 साल हुआ होगा। अभी 1 साल हुआ है मुझे जॉब छोड़े, 1 साल भी नहीं हुआ मुझे जॉब छोड़े हुए। और ये फेसबुक को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? फेसबुक को मुझे 2 साल हो गए फेसबुक पे काम करते हुए, लेकिन मैं साथ के साथ दोनों काम करता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई जॉब अपनी तब तक मत छोड़ो जब तक आप सोशल मीडिया से पैसा ना कमाने लग जाओ, मैं तो यही कहता हूँ। जॉब से ज्यादा अगर बनने लगे, जॉब से ज्यादा भाई, अगर जॉब से तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, सोशल मीडिया से 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है ना। अगर उस टाइम आप डिलीवरी बॉय का काम करके कितना पैसा बनाते थे? उस टाइम पे 12,000-15,000 रुपए महीने के मिलते थे। हाँ, ओके। और अभी कितना बड़ा डिफरेंस है? अभी भाई बहुत अच्छे खासे लेवल का डिफरेंस है। अभी गाइस आपको भाई का जो फेसबुक पेज का अर्निंग है उसको लाइव खोल करके भी दिखाएंगे, ठीक है? मतलब काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। कहां से भाई ने स्टार्ट किया था एंड अभी ये किस लेवल पे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई के यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी लाखों में फॉलोअर्स हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों जगह पर काम कर
करता हूँ मैं, और तीनों जगह वीडियोस डालता हूँ, और तीनों जगह पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हो चुके हैं अभी तक। भाइयों का प्यार प्रेम मिलता रहे, और फेसबुक की जनता बहुत प्यार करती है भाई, हर वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। बाकी तो नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन पॉजिटिविटी ढूंढ लो उसके अंदर तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अनीश भाई, फेसबुक को आपने कब स्टार्ट किया था और कितना टाइम लगा था ग्रो होने में? फेसबुक का मैं बताता हूँ, मुझे हो गए 2 साल काम करते हुए फेसबुक पे, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं यूट्यूब पे काम करता था पहले, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, तो एक हमारे भाई है जावेद भाई, उन्होंने मुझे बोला कि यार फेसबुक पे भी डाला करो वीडियो। अब मैंने कहा यार फेसबुक पे कुछ मिलता है? उन्होंने बोला कि डाला करो ना, मिलेगा कुछ तो मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैं जो वीडियोस यूट्यूब पे डालता था सेम वीडियो में उठा के फेसबुक पे डालने लगे, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हैं, एक कंटेंट बना रहे हैं, सेम कंटेंट को हमें उस पे भी डालना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, जैसे अगर हम यूट्यूब पे ही काम करते हैं और कोई हमें फेसबुक के बारे में बताता है, तो हमें ये लगता है ना कि यार फेसबुक क्या ही पैसा देगा, क्या ही पैसा देगा, लेकिन जो फेसबुक पैसा देता है ना भाई, उतना तो यूट्यूब भी आपको नहीं देता है। सीरियसली नहीं, अभी तक तो मैंने यूट्यूब से नहीं कमाया होगा जितना मैं फेसबुक से एक एक महीने में मैंने कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है। तो कितना टाइम लगा था ग्रो होने में आपको? 3 महीने का, मतलब कम से कम कंसिस्टेंटली अगर आपको काम करते हो तो उसमें लगेगा 3 महीने, तो कम से कम आपको चाहिए फेसबुक पे। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है 3 महीने लगते हैं भाई ग्रो करने में। लोगों को लगता है यार 5,000 फॉलोवर्स, उस टाइम पे जब 1 से 1.5 साल पहले 10,000 फॉलोवर का क्राइटेरिया होता था, अब तो फेसबुक ने कम कर दिया, 5,000 का कर दिया। तो वीडियोस भाई डालते थे और लोगों को लगता था कि 10,000 फॉलोवर्स कैसे होंगे, लेकिन जब वीडियो वायरल होती है ना भाई, तो एक एक दिन में 10,000 बढ़ते हैं फॉलोवर्स, एक एक दिन में बढ़ते हैं भाई। अभी के टाइम में कितने आपके? मेरे 5.5 लाख से ऊपर है। 5.5 लाख और एक साल में ये हुआ है? हाँ एक साल में हुआ है, मेरा पिछले साल 100 के हुए थे, अब एक साल में हो गया अच्छा खासा। और उस टाइम आप यूट्यूब पे भी सेम वही कॉन्टेंट डाले थे, फेसबुक पे भी? सिर्फ रेशो चेंज करना होता है। अच्छा, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता लगा ना, चीजें धीरे धीरे सीखता है। अब जैसे भाई की वीडियो देख देख के हमने भी सीखा है ना, तो होता है ऐसा, तो आप लोग भी करोगे ना भाई, तो धीरे धीरे चीजें आती है। रेशो चेंज करने लग गया मैं, 1:1 का रेशो डालने लग गया उसके अंदर, जो यूट्यूब का होता है ना, 1:9 में होता है, ऐसे होता है ना, तो उसको क्रॉप करके 1:1 में डाला। फिर वो धीरे धीरे वीडियोस बहुत अच्छी ग्रो होने लग गई, मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज, 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन व्यूज आने लग गए। अच्छा जैसे एक चीज बताइए, यूट्यूब और फेसबुक का डिफरेंस थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने शुरू से सेम वही कंटेंट आपने यूट्यूब पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, तो ग्रोथ आपको देखा जाए तो फेसबुक पे ज्यादा देखने को मुझे अच्छी ग्रोथ मिली, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था मेरे उस वाले पेज पे ना, यूट्यूब चैनल पे मेरे अभी तक 30,000 सब्सक्राइबर हुए और फेसबुक पे मेरे 5.5 लाख हो गए, जबकि मैंने यूट्यूब बहुत बाद, मतलब बहुत पहले, सबसे पहले मैंने वो यूट्यूब पे पेज चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने पेज पे काम करना शुरू किया था। फेसबुक पेज मेरा कहाँ है और यूट्यूब मेरा कहाँ है, तो आप डिफरेंस लगा सकते हो। बाकी मेरे शॉर्ट्स वाले पेज पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख है। ओके, तो आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था फेसबुक से और कितने महीनों बाद आया था? 3-4 महीने लगे होंगे मोनेटाइज होने में, 4 महीने मान लो आप, 4-5 महीने मान लो फेसबुक का बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। कितना टाइम लगा था यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरी पहली पेमेंट जो आई थी 16 महीने में आई थी भाई, 16 महीने में। हाँ, और कितना आया था वो? 9,500-9,000 रुपए। ओके, जो फेसबुक पे आई थी पहली पेमेंट, पहली तो सबकी कमी आती है, मेरी 12,000 कुछ आई थी, 12-12.5 हजार रुपए, यूट्यूब से ज्यादा ही आया था। हाँ फेसबुक पे, फिर जब उसके बाद चीजें चलनी शुरू हुई ना, फिर जिंदगी बदल गई। अभी आप क्या रेवेन्यू बना रहे हो फेसबुक से? अभी तो बहुत अच्छा ठीक ठाक। अनीश भाई थोड़ा सा दिखाते हैं लाइव एक बार ऑडियंस को। हाँ, एक बार दिखा सकते हो आप उसके बारे, उसके बाद थोड़ा बात करते हैं। एंड गाइज आइए, आपको भाई का पेज वगैरह भी दिखा देते हैं। ये जस्ट जो दिखा रहे हैं ना भाई, वो बस एक मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे है, बाकी जो मेन बनता है ना वो प्रमोशन से होता है, प्रमोशन वीडियो। बिल्कुल गाइज, ये वाला चीज सुन के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो पहले आपको भाई का पेज दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर गाइज आप ये देख सकते, तो ये है भाई का पेज, अनीश लकी के नाम से है। एक बार सबसे पहले, चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा रेवेन्यू दिखा देते हैं। अनीश भाई कितने महीनों का दिखा दे ऑडियंस को, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ? एक साल का दिखा दो। एक साल का? हाँ मतलब 8-9 महीने हो गए ना, जनवरी से लेके अब तक का दिखा दो। ओके, आइए गाइस दिखाते हैं कि अनीश भाई ने ये जनवरी से अभी, ये क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, 7 से 8 महीने में भाई ने कितना डॉलर बनाया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कंटेंट वगैरह शूट करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, सारी चीजें बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बस एक अभी जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये भाई एक मोटिवेशन के तौर पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसको पाने के लिए भाई कितनी स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत होती है इसके पीछे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल दिस ईयर का, एंड आइए आपको लाइव दिखाते हैं। गाइज लाइक कर देना भाई इस ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से लेकर के 18 सितंबर 2024 जिस दिन हम ये इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 7 से 8 महीने हो रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 7 से 8 महीने में $5,332 का रेवेन्यू बना है। एंड अगर आपको एक एक दिन का रेवेन्यू दिखाएं, तो यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो एक एक दिन में भाई इस टाइप के कॉन्टेंट से, इस पेज से $131 का रेवेन्यू बना रहे हैं
एक एक दिन का यहाँ पर आप लोग ये डाटा चेक कर सकते हो भाई, $150 है मेरा हाईएस्ट, $190 तक गया है हाईएस्ट। हाँ, एक दिन में। क्या बात है। आइए आपको एक एक वीडियो का भी दिखा देते हैं, एक एक वीडियो से हम अगर फेसबुक पे काम करते हैं तो कितना पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भाई, इससे भाई ने बनाए हैं $637, 42,000 रुपये हो जाएगा ना, यानी 50,000 के अराउंड आपने सिर्फ एक एक वीडियो से ये पैसा बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनीश भाई को याद भी नहीं है, जब मोटा पैसा बनने लगता है अच्छा अच्छा तो ध्यान नहीं रहता है कि ये कौन वीडियो से मेरी बहुत अच्छी चली थी। कितना मिलियन व्यूज गया था इस पे एक बार दिखा दे क्या? ये वीडियो YouTube पे ज्यादा अच्छी गई थी, YouTube पे 93 मिलियन गए थे इस पे शॉर्ट्स वीडियो। आइए इसको एक बार थोड़ा सा मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हो सारा कुछ है ना, $637 सिर्फ एक वीडियो से। तो ये होता है पावर फेसबुक पे काम करने का, अगर आप सही से काम करते हो, ढंग से काम करते हो, तो भाई एक एक वीडियो में बहुत पैसा बना करके बहुत देते पैसा हैं। बनता है। डीमोटिवेट नहीं होना भाई, मोटिवेशन आएगी धीरे, जब पैसा आता है तो मोटिवेशन भी अपने आप आती है, जब तक नहीं आता तो ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन लगे रहो भाई। अगर आप काम कर रहे हो ना फेसबुक पे तो लगे रहो, मैं तो यही बोलूंगा। फेसबुक पे क्या, किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप लोग काम कर रहे हो तो लगे रहो। बिल्कुल। और यहाँ पर गाइस भाई का आप ये पेज भी देख सकते हो, 5,555 फॉलोअर्स हैं अभी के टाइम में, और इस टाइप के कंटेंट पे काम करते हैं। मार्केट में जो भी चीज़ें चलती हैं, मार्केट के अंदर पटरी मार्केट होती है, सस्ता सामान कहाँ मिलता है, कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, इस टाइप से बनाते हैं। बिल्कुल। और ये भाई का यूट्यूब चैनल भी है, इस पर भी 500,000 है, और ये है इनका एक और चैनल जिसपे 30,000 का राउंड है, और इस पर भी देख सकते हो भाई 5,000,000 व्यूज गए सब पे। तो अनीश भाई इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो भी काफी तगड़े चलते हैं, देखा चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, कंटेंट के अंदर दम होना चाहिए, चलता तो है। अगर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं था भाई दिखाने के लिए, अपने पास मतलब पैसा तो था ही नहीं है ना, कभी 12-15 हज़ार रुपए में बंदा क्या करेगा, तो फिर एक जुनून था कि करना है, काम करना है, सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। आ जाता है भाई, टाइम के साथ आ जाती है सारी चीजें। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप जॉब करते थे उस टाइम आप ऐसे कंटेंट क्रिएशन इसको जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे मैनेज होती थी सारी चीजें? बहुत टाइम लगता था, बहुत दिक्कत होती थी भाई, करना पड़ता है। लेकिन मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक मैं वीडियो एडिट करता था। वीडियो पर डे डालनी है, डेली डालनी है। मेरे जो मैं एक रेस्टोरेंट पे भी काम करता था, पूरन ढाबे पे, वहाँ पे मैं काम करने के साथ साथ वहाँ पे मतलब उनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे काफी काम करने, मैंने एक तो फाउंडेशन वाली नौकरी कभी करी नहीं है। अच्छा। अगर नौकरी करनी होती फाउंडेशन वाली, इसलिए मैं डिलीवरी की जॉब करता था, क्योंकि मुझे पता था मैं नौकरी कर नहीं पाऊंगा। डिलीवरी के अंदर क्या होता है, मन है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ, ऐसा होता है ना। तो उसके साथ साथ मतलब चीजें मैनेज करी मैंने, शूट करी, एडिट करी, अपलोड करी, पर डे वीडियो जा रही है। डीमोटिवेशन बहुत डीमोटिवेट रहता था यार, वीडियो चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही। हाँ ये चीज होता है, अगर कोई भी स्टार्ट करता है काम करना तो काफी टाइम तक हमारी वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? बताया ना आपको, 16 महीने में मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। 16 महीने का वो पेशेंस कैसे रखा आपने? करना पड़ता है भाई, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आपको पेशेंस जरूरी है रखना। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबर का फल मीठा होता है, तो आज भाई देखो हम कहाँ बैठे हैं भाई के साथ, ठीक है। अरे शुक्रिया। अच्छा आपको ऐसा लगा था कि अगर मैं फेसबुक पे काम करता हूँ तो यहाँ से यूट्यूब से मैं ज्यादा पैसे फेसबुक से बना पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता था, सीरियसली बताऊँ तो मैं बस वीडियोस देखता था लोगों की, हाँ कैसे काम। एक चीज और होती है भाई, अगर आपको कई काम करना है, चीजें यू सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो सीखो, क्योंकि लर्निंग करोगे ना आप तो उस चीज को टाइम दोगे तो चीजें सीखोगे। भाई के भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, भाई के चैनल पे भाई ऐसे मोटिवेशन वाली वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। और मतलब जिस फील्ड से रिलेटेड हो उसके अंदर भाई टॉप पे बैठ जाओ जाके, बस बात करता हूं मैं तो इतना जानता हूं, टॉप पे बैठ जाओ, मजा आता है। अपना यूनिक कंटेंट होना चाहिए, यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मस्त एकदम चलता है भैया, सब कुछ चलता है। ओके अनीश भाई, अब बात करते हैं इस वीडियो के काफी ज्यादा, जो काफी लोग रुके होंगे इस वीडियो के लिए, कि आप जो स्पॉन्सर वीडियो बनाते हो आपको एक महीने में 15-20 जैसा आपने बताया, 10-15-20 जैसे आ जाते हैं, वो क्या चार्जेस करते हो आप एक एक वीडियो का भैया? चार्जेस होता है देखो। अच्छा एक सबसे पहले ये बताइए, ये होता कैसे है, जैसे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ। इसमें कैसे वो पेमेंट करते हैं, किस चीज का पेमेंट करते हैं? अच्छा देखो हमारा क्या है ना, मेरा जो कंटेंट है मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। अब मेरे पास ब्रांड वाले कोई नहीं आते हैं, ब्रांड वाले मैंने एक दो किए हैं बस, ज्यादा ब्रांड मतलब ऑनलाइन कोई नहीं आता। हाँ ऑनलाइन वाला, सारा ऑफलाइन नहीं आते, तो सारे ऑनलाइन ही है। जैसे एक होता है ना ऐप का प्रमोशन, उस टाइप के प्रमोशन नहीं करता भाई मैं, उस टाइप के आते ही नहीं है, ठीक है। आएंगे तो मना नहीं है किसी को भी, ठीक है। लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा है, मेन है बिजनेस प्रमोशन का, लोगों का बिजनेस प्रमोट करते हैं हम, ठीक है। जैसे किसी की दुकान नहीं चल रही है या फिर दुकान चल भी रही है, कहाँ पर है, कोई कोने में बैठ के, हाँ उसको मतलब बूस्ट देना एक तरीके से कि लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले। हाँ जैसे मैंने कोई शॉप खोली जिसमें मैं कुछ भी सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे अगर प्रमोशन कराना है तो मैं अनीश भाई को कॉन्टेक्ट करूंगा कि हमारे शॉप का आप प्रमोशन करो। और उससे लोगों का फायदा क्या होने वाला है, हम पहले तो ये जानते हैं कि भाई आपके थ्रू आपके पास कोई क्यों आएगा,
तो वो बताते हैं कि हम गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, या आप हमसे मोबाइल फोन परचेस करते हो तो हम उसके साथ में गिफ्ट दे रहे हैं, 5 गिफ्ट 6 गिफ्ट आजकल ये चल रहा है ना। हाँ, चल तो रहा इस टाइप से लोग भी सर्च करते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें सस्ती मिल रही है, चीजों के साथ में हमें क्या चीजें मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया, तो इस टाइप से रहता है अपना। तो एक एक वीडियो का आप क्या चार्जेस करते हो? चार्जेस अलग अलग होते हैं, आज के टाइम पे पैसा लोगों से निकलवाना ना बहुत मुश्किल है, तो आज के टाइम पे कोई खर्च नहीं करना चाहता। मुश्किल है? हाँ बहुत मुश्किल है, कोई मतलब लोग चाहते हैं कि फ्री में काम हो जाए, लेकिन भाई अपनी वैल्यू गिरा के ना कभी काम मत करो, अपनी एक वैल्यू बना लो। बहुत लोग क्या है ना, जैसे जो आपके टाइप का कंटेंट बना रहे होंगे, हाँ। जिनके छोटे पेजेस होंगे, हाँ। तो वो सोचते होंगे यार कम भी मिल रहा है तो सही है, सही, रख लो सही, लेकिन वैल्यू गिरानी नहीं, हाँ। है लेकिन जो छोटे लोग वैल्यू गिराएंगे, देखो छोटा कुछ नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसी वायरल हो जाए, हाँ। कौन कहां पहुंच जाए, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, कहने का मतलब यार सोच का फर्क है। आप काम कर रहे हो भाई काम करो, और अपनी वैल्यू गिरा के कभी भी काम मत करो, वैल्यू गिराओगे ना तो भाई आप कहीं के नहीं रहोगे, मैं तो इतना जानता हूँ। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, ठीक है तो मुझे अभी के टाइम में आपके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो अपने शॉप का प्रमोशन करवाना है, तो आप क्या चार्जेस बताते हो? चार्जेस तो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। एक वीडियो का हाईएस्ट बताइए कितना आपने चार्ज किया है? मैंने हाईएस्ट भाई एक वीडियो का 50,000 रुपए भी चार्ज किया हुआ है। 50,000? हाँ, एक शॉप की वीडियो बनाने का 50,000 रुपए तक मैंने चार्ज किया हुआ है। एंड गाइस जैसा भाई बता रहे हैं महीने में 10-15 आराम से मिल जाते हैं। हाँ 10-15 मिल जाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा देता होगा? कोई ज्यादा देता है, कहीं 15,000 कहीं 20,000 इस टाइप से रहता है। मिनिमम क्या अमाउंट चार्ज करते हो आप? मिनिमम 10-12,000-15,000 रुपए, इससे नीचे करना ही नहीं है। ओके, और जैसा आप अभी बता रहे थे कि जो स्ट्रीट पैसे टाइप का लगाते हैं उनका फ्री में भी करते हो? हाँ लोग बोलते हैं ना, मुझे भी बोलते हैं कि भाई तू तो पटरियों की वीडियो बनाता है, पटरी की बनाता है, तो हमारे से इतने ज्यादा पैसे क्यों बता रहा है चार्ज करने के? तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई आप भी पटरी पे आ जाओ, आपका फ्री प्रमोशन है, आप भी पटरी लगा लो ना आके, मैं करूंगा आपका फ्री में प्रमोशन। अब आप शॉप खोल के बैठे हो, मेरे थ्रू आपका फायदा हो रहा है, मेरे थ्रू अगर किसी गरीब का फायदा हो, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं ब्लेस्ड मानूंगा इस चीज को। लेकिन आप अच्छे खासे लेवल पे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो हमें, ठीक है, तो फिर आप करो ना यार, चार्ज दो ना, बिल्कुल, किसी की वैल्यू क्यों गिरानी है, आप हमसे काम ले रहे हो, हमारे थ्रू आपके पास काम आएगा ना, तो आप चार्ज दो, बिल्कुल। और अनीश भाई अभी के टाइम इतना अच्छा आप कर रहे हो, रेवेन्यू भी बढ़िया आ रहा है जी, बिल्कुल, तो थोड़ा पहले का बताइए कि पहले जैसे आप डिलीवरी बॉय का भी काम करते थे और अभी ये सोशल मीडिया का इतना बढ़िया चल रहा है, तो अभी आप इसको किस लेवल पे देख रहे हो या कहां तक इसको ले जाने वाले हो? भाई मैं ना अपने आप से कंपटीशन है, और जहां मैं था ना आज से 1 साल पहले उससे मैं 10 गुना ऊपर हूँ। कंपटीटर किसी को मत मानो, अपने आप से कंपटीट करो, ठीक है, जहां मैं आज से पहले 10 गुना ऊपर हूँ, आज से पहले मैं 10,000 कमा रहा था, तो लगा सकते हो आप लोग हिसाब के कहां पे रहूं मैं आज। एक महीने का हाईएस्ट रेवेन्यू बताइए कितना आपने सोशल मीडिया से बनाया है, बताना है? हाँ बताइए, स्पॉन्सर का मिला के या फिर वैसे सब ओनली फेसबुक, ओवरऑल बताइए, ओवरऑल, हाँ, एज अ मोटिवेशन, जो मतलब कुछ करना चाहते हैं, जो अगर डिलीवरी बॉय वाला भी वीडियो अगर ये देख रहा है, जो वैसा काम कर रहा है और कुछ करना चाहता है, तो उसको एक मजा है कि हाँ यार हम कुछ ऑनलाइन बढ़िया कर सकते हैं। हाँ तो देखो बताते तो नहीं है काफी लोग, लेकिन भाई ने पूछा तो मैं बता देता हूँ, मैंने हाईएस्ट अपना 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रखे हैं एक महीने का, हाँ, चलता रहता है बाकी ऊपर नीचे। और अब थोड़े आपके लाइफ के बारे में बात करते हैं, जैसे एक टाइम पे आपके सपने होते थे, ड्रीम्स, कि यार अभी मैं इस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जब मैं इसमें सक्सेस कर जाऊंगा या जब पैसे आएंगे तो ये चीजें मैं लूंगा या फिर अफोर्ड करूंगा, तो उसमें से कितने ड्रीम्स आपके पूरे हो चुके हैं? भाई मैंने ना आज तक मैं कभी भी हवा में बात नहीं करी, मैंने आज तक जितने भी सपने देखे हैं ना उन सबको पूरा किया है, सीरियसली मैंने सारे सपने पूरे किए हैं, जिसमें से एक सपना पूरा नहीं हुआ मेरा, उसमें मेरा बहुत दिल टूटा, खैर कोई नहीं जाने दो समझ गए है ना ओके होगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा, बहुत चल रहा है बस, ठीक है। तो जो मैंने सपने देखे, बिगेस्ट परचेज की अगर बात करें आपके, बिगेस्ट परचेज मैं बताता हूँ ना कैसे था। देखो मैं जब सोशल मीडिया पे आया तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि यार एक बाइक होनी चाहिए, तो फिर मैंने बाइक ली, वो मेरी बाइक 3 लाख रुपए की है, कुछ 3 लाख ऊपर की, हाँ जी हिमालयन ली मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घर वाले खुश होने चाहिए यार, हम खुश हो गए, हमारे पास बाइक आ गई, पहले मैं प्लैटिना पे चलता था, डिलीवरी का काम करता था, तो ठीक है, फिर मैंने हिमालयन ले ली, मैं हिमालयन पे घूमने लग गया, मैंने अपना हो गया भाई, कपड़े पहन लिए अच्छे पहन लिए, जूते पहन लिए अच्छे पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फैमिली का अब फैमिली खुश होनी चाहिए, क्योंकि घर में भाई बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं हमने शुरू से, अब फैमिली खुश होनी चाहिए, फैमिली खुश कैसे रहेगी, हम खुश करेंगे ना यार फैमिली को, हम किस लिए पड़े हुए हैं, हमने भाई काम करा, काम करके घर में पैसा लगाया, घर अच्छा बनाया भाई। अच्छा घर बनवा लिया आपने कहाँ? यही दिल्ली के अंदर ही है घर, ठीक ठाक बनाया अपना, ठीक है, जितना हमसे हो सका मैंने करा अपने। ये देखा जाए तो काफी बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में घर अपना बनाना, हाँ बहुत बड़ी बात है। घर बनाया, फिर घर के अंदर भाई मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, एसी कभी जिंदगी में नहीं देखा, एसी होता क्या है, एसी लगाया घर में, बहुत सारा काम, मतलब सारी चीजें, फैमिली भी अब खुश है, सारी चीजें, और एक बिजनेस भी कर लिया अपना छोटा सा साइड में। बिजनेस के बारे में बात करें तो
कौन सा बिजनेस? बिजनेस मैंने कपड़ों का करा है, ठीक है, उसमें मेरा भाई बैठते हैं। ओके, तो ये सारा सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया से था भाई सब कुछ। क्या बात है अनीश भाई, वीडियो के एंड में थोड़ा सा हम बात करते हैं ना उन क्रिएटर्स के बारे में जो फेसबुक पे लगे हुए हैं, बिल्कुल, जो 2-3 महीने से काम कर रहे हैं बट उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं, तो क्या टिप्स देना चाहोगे भाई? मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पास ना मतलब जैसे लोग स्टार्ट करते हैं ना, आज भी आपके आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है ये, जब स्टार्ट करते हैं ना तो लोगों के अंदर ना भाई हड़बड़ाहट ज्यादा होती है, जल्दी हो जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, लेकिन जल्दी यार कुछ नहीं मिलता। सबर करो यार, सबर करोगे सब कुछ होगा भाई, मिलता सब कुछ है लेकिन टाइम पे मिलेगा, जो आपकी किस्मत में है ना वो चल के आएगा और जो नहीं है वो आके भी चला जाएगा, ठीक है? तो सबर करो, सबर का फल बहुत मीठा होता है, धीरे धीरे सारी चीजें होती है। मेरे पास पता फोन आते हैं, भैया देखना मेरा पेज मोनेटाइज हो गया क्या, भैया देखना इतने घंटे का वॉच टाइम हो गया। कहता हूँ यार करो तो काम तो करो, अपने आप हो जाएगा, सारी चीजें होती है। मैं कहता हूँ कंटेंट डेली डालो, ये मत देखो व्यूज कितने आ रहे हैं, नहीं देखना भाई, सच में नहीं देखना। अगर आप व्यूज देखते हो ना तो अपने कंटेंट में सुधार लाओ, अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही है तो आपके कंटेंट में दिक्कत है, क्योंकि भाई यूट्यूब फेसबुक सबको चलाता है, सबको टाइम देता है, सबको काम देता है, लेकिन उस पर क्राइटेरिया होता है भाई, उसका क्राइटेरिया पूरा करना होता है। जैसे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे टाइम लगता है ना भाई, इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा कि सर आपको ये काम आता है, ये काम आता है। जब आप काम, आपको पता है कि भाई आपको काम आता है, उसको पता लग गया कि आपको काम आता है, तो वो आपको पैसे देगा उस चीज के, पहले सीखना पड़ता है ना। 100 वीडियोस तक तो ये आप कुछ भी मत सोचो कि मुझे कुछ आता है या कुछ नहीं आता, एक्सपेक्ट ही मत करो कि कुछ कुछ भी नहीं। 100 वीडियो आप देखो, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल भाई फैक्ट वाली बात बता रहे हैं, जो रियलिटी है ना गाइस वही। 100 वीडियोस तक आपको सीखना है कि 100 वीडियोस आप कैसे सीख रहे हो, वीडियोस डालोगे ना तो वो समझ लो आपका टाइमिंग लर्निंग पीरियड चल रहा है। और काफी लोग तो ये भी करते हैं, मोटिवेट होते हैं काफी ज्यादा इस वीडियो को देखने के बाद, काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे, बिल्कुल 2-4 दिन काम करेंगे उसके बाद लोग स्किप भी करने लगते हैं कि अरे यार कर लेंगे फिर बाद में। यार स्किप करने से नहीं होता भाई, क्योंकि इस पे फेसबुक पे जो काम करते हैं ना, फेसबुक की रीच का मेन होता है भाई, रीच का, अगर आपकी फेसबुक पे रीच अच्छी आ रही है ना तो आप खेल जाओगे। अच्छा कुछ अगर सीक्रेट्स के बारे में बात करें जो आपको लगता होगी, हाँ यार मैं अपनी वीडियो में ये चीज करता हूँ तो मेरी वीडियोस वायरल होती हैं। देखो भाई फेसबुक पे जो होता है मेन स्टार्टिंग के 3 सेकंड होते हैं, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अगर आपने काम ऐसा कर दिया कि ऑडियंस रुक गई तो वो समझ लो आपकी वीडियो वायरल है। जैसे अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आप देखो कैसे रोकोगे। जैसे फेसबुक पे मेरा कॉन्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको कैसे रोकता हूँ मैं ऑडियंस को। जैसे मैं चोर बाजार चला गया, ठीक है, तो दोस्तों ये है दिल्ली का चोर बाजार, आवाज के अंदर था मैं, सामने आ रहा है जामा मस्जिद, वहां से वीडियो चली, सामने एकदम से भीड़ आई, लोग रुके रुके क्या, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है, फिर वहां से वीडियो वायरल है, ऐसे चलता है, ऐसे करना है हमें, है ना। तो हमें जो भी हमारी वीडियो का जो हुक पार्ट है उसको स्टार्टिंग में रखो, स्टार्टिंग में रखें, 3-4 सेकंड आपको स्टार्टिंग का रोक लिया अपने ऑडियंस, तो वीडियो चल गई आपकी। ओके, और कुछ कीवर्ड्स के भी खेल होते हैं क्या फेसबुक पे? यार इतना नहीं पता, मैं नहीं डालता कोई कीवर्ड्स, मैं सीधा वीडियो डालता हूँ बस। ओके, सीरियसली मैं नहीं डालता, मैंने कभी। आपका तो देखा जाए तो मेन कंटेंट ही है, जिस तरीके से आप बोलते हो या जो चीजें दिखाते हो बोलने, लेकिन ये चीज भी मुझे भाई, मैं बोलता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि भाई तूने कहाँ से क्लास करी है, कैसा कहा। अच्छा यार मैंने सच में कहीं से क्लास नहीं करी, और भाई ये चीजें टाइम के साथ आती है। एक टाइम ऐसा था भाई अभिषेक भाई, मैं जाता था मार्केट के अंदर शूट करने के लिए ना, वीडियो कैमरा लेके ऐसे, यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं वीडियोस बनाऊंगा तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे खर्चे तुम्हें चलाने, लोग नहीं आ रहे चलाने के लिए, तो खुद करना पड़ता है। और लोग ना अपना काम कर रहे हैं, जैसे अब आप लोग जानते होगे, आप जैसे कहीं जा रहे हो, सड़क पे कोई बेवड़ा पी के पड़ा हुआ है, आपको उससे क्या मतलब है क्या कर रहा है वो, आप आओगे देखोगे गाली बकोगे चले जाओगे, आपका रिश्तेदार तो नहीं, अगर रिश्तेदार होगा तो घर उठा के लेके जाओगे, लेकिन आप गलत काम तो नहीं कर रहे ना, आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चीजें कर रहे हो। तो भाई वीडियो शूट करने के अंदर क्या शर्म यार, वीडियो शूट करने के अंदर क्या शर्म, वीडियो शूट करो, नशा तो नहीं कर रहे ना, बिल्कुल नशा नहीं कर रहे, पी के नहीं पड़े हुए, वीडियो शूट करनी है भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे, भाई आपने कैसे कर दिया ये, अगर आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हो ना कोई नहीं आएगा, बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि ये जिंदगी का सफर है, अकेले लड़नी है पड़ती है लड़ाई, हिस्सा मांगने सब आएंगे गुरु जब होगी फसल की कटाई, तो ये सच्चाई है भाई, ठीक है। तो आप भी काम करो भाई, किसी से कोई मतलब मत रखो, आप वीडियो उठाओ, कैमरा उठाओ, शूट करना स्टार्ट करो, कोई जा रहा है आ रहा कुछ नहीं, अपने कैमरे से बात करो, यहाँ पे जो आने वाले लाखों लोग है ना वो आपको देखेंगे, जब वीडियो वायरल होगी तो उस पे अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे ना, उससे मोटिवेशन मिलेगी। अनीश भाई जो लोग भी अगर आपके टाइप के कॉन्टेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन यही देंगे भाई, मेहनत करो, और भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है बस, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और कंसिस्टेंसी है भाई, मेन कंसिस्टेंसी है, अगर आप रेगुलर कंटेंट डालोगे तो आपका भाई वीडियो 100% वायरल होनी है और आप आगे बहुत ज्यादा हो जाओगे। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में यार अनीश भाई ने काफी सारी चीजें बताई जो सच्चाई है सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो भाई, धीरे धीरे सारी चीजें होती चली जाती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आप भी भाई पहले डिलीवरी बॉय का काम करते थे,
आज के टाइम में आप काफी बढ़िया कर रहे हो, मतलब एक साल में चीजें चेंज बदल गई हैं पूरी। मतलब एक साल से पहले तो ऐसा लगता था कि यार छोड़ दूं क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दूं क्या, क्योंकि धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही ग्रो होता है। लेकिन जब ग्रो होने लग गया ना तो फिर मजा आ गया यार। अच्छा, वीडियो के एंड में थोड़ा सा आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। ये सोशल मीडिया को लेकर के आप क्या सोचते हो? सोशल मीडिया को लेकर के जैसे आप इसको और कहां तक स्केल करने वाले हो, या फिर और कुछ आपके पेजेस आइडियाज के होंगे कि हाँ इस पे भी काम करना है? फ्यूचर के लिए तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, ठीक है, लेकिन उसके लिए टीम चाहिए होगी। थोड़ा सा करेंगे, ग्रो करेंगे बहुत अच्छा। फिलहाल तो इसलिए मार्केटिंग को तो छोड़ना नहीं है, पटरी मार्केट भी करनी है, शॉप्स का भी करना है, और भी धीरे धीरे कॉन्टेंट में मतलब दम लाना है और अच्छी अच्छी चीजें करनी है। अच्छा अनीश भाई, एक चीज और है, जो लोग ऐसे शहर से बिलोंग कर रहे हैं जिनके पास अच्छे खासे मार्केट वाली जगह है, बिल्कुल, तो उनके लिए तो कंटेंट का कमी नहीं है इस टाइप के कंटेंट पे अगर काम करे वो। लोगों के अंदर शर्म है भाई, शर्म है। मुझे बोलते थे कि क्यों बनाता है तू मार्केट में जाके, एक मुझे ऐसे बोलते थे हम तेरी वीडियो क्यों देखे। अच्छा हाँ, मेरे पास जवाब नहीं होता था कि कोई मेरी वीडियो क्यों देखेगा यार। मैं सोचता था कि मैं उसको क्या बोलूं, लेकिन अपने आप सारी चीजें आ जाती है भाई। अब घर से निकलो तो सही यार, घर से निकलो तो सही, सारी चीजें होंगी। अब आप सोचोगे घर में बैठे बैठे मेरे पास खाना आ जाए, सारी चीजें हो जाए, नहीं आएगा यार। अगर पैसा भी है आपके पास तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ना। घर से निकलोगे रास्ते अपने आप खुलते हैं, इतना तो मैं जान गया हूँ। बिल्कुल। और दोस्तों ये भी है कि अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हो जो शहर टाइप का है, काफी लोग अगर दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर क्या है ना, आप रोड पे चलते चलते कंटेंट बना लोगे। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई, अभी भाई ने मुझे एक आइडिया दिया, बहुत अच्छा लेवल का आइडिया है वो। उस पे मैं काम करूंगा, भाई काम करने वाले हैं। हां बिल्कुल काम करूंगा, उस पे तो तगड़ा ग्रोथ है वो। भाई ने बताया मुझे बहुत जबरदस्त, और काफी कुछ सीखने को भाई से भी मिला मुझे। मैंने बैठ के, हमारी काफी देर बात हुई है, उसके बाद हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। बिल्कुल। बाकी गाइस, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिली होंगी, कैसे आप लोग, मतलब आप जो कंटेंट है ना, आप चलते चलते कैसे बना सकते हो, या फिर मार्केट से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो, एंड इसमें भी काफी पोटेंशियल है, ग्रोथ है। अनीश भाई ने कहां से स्टार्ट किया था एंड आप अभी के टाइम में किस लेवल पे है ना। बिल्कुल। बाकी अनीश भाई थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, काफी ज्यादा मजा आया। एंड गाइस, उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको भी काफी ज्यादा मजा आया होगा अनीश भाई की जर्नी को जान करके, कैसे भाई ने स्टार्ट किया था। एंड भाई अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर से करके जाना भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी वीडियो के एंड में एक चीज और कहूंगा कि आप लोग हमारा लास्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, हमने राजमन सर के साथ शूट किया था, वो 80 पेजेस के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, आप लोग इसको भी चेकआउट कर लेना। एंड चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।